रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में सलमान खान के कैमियो की खूब चर्चा हुई। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने इसे पसंद किया तो कुछ लोगों को लगा कि सलमान से जबरदस्ती कैमियो करवाया गया है। फिल्म अंत में ही मिशन चुलबुल सिंघम लिखकर आता है, जिसे देखने के बाद दर्शक और ट्रेड एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि रोहित के कॉप यूनिवर्स की अगली फिल्म सलमान खान और अजय देवगन के साथ होने वाली है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस फिल्म में अजय देवगन और सलमान साथ आए तो बॉक्स ऑफिस का बक्सा हिल जाएगा। ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श ने इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अजय और सलमान के साथ आने का बॉक्स ऑफिस पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर अजय सलमान मिशन चुलबुल सिंघम के लिए साथ आते हैं तो भूचाल आ जाएगा। मुझे ये तो नहीं पता कि इन दोनों का पुलिस वाला किरदार आपस में कैसे साथ आएगा, वो फिल्म में क्या करेंगे, मगर ये ज़रूर है कि ये इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी मास फिल्म ज़रूर हो जाएगी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है। उन्होंने आगे कहा, सिंघम सूर्यवंशी और लेडी सिंघम तो ठीक है, मगर सिंघम और चुलबुल की जोड़ी सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होगी। रोहित शेट्टी इस मिशन को अचीव कर सकते हैं। सलमान रोहित के काम को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे के काम की बहुत इज्जत भी करते हैं। अजय के साथ भी उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। मिशन चुलबुल सिंघम पर ट्रेड एक्सपर्ट अक्षय राठी ने भी बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की। उन्होंने कहा, हमारे देश के दो बड़े सुपरस्टार और उनकी दो बड़ी फ्रेंचाइज सिंघम और दबंग साथ में आते हैं तो कुछ भी हो सकता है, इतनी सफल हो सकती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। मैं आशा करता हूं कि ये फिल्म बने और ऐसे बने कि ना सिर्फ इस समय के हिसाब से हो बल्कि रिलीज से पहले ही इसका भयंकर बस बन जाए। एक्सपर्ट अतुल मोहन ने भी इस पर बात की और कहा, ये फिल्म जब भी आएगी खूब कमाई करेगी क्योंकि ये बहुत बड़ी कास्टिंग होगी। सिंघम अगेन को ही देख लें तो क्लैश के बावजूद पिक्चर ने 285 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। खैर, रोहित शेट्टी ने अभी इस पर कोई मोहर नहीं लगाई है कि वो सिंघम और चुलबुल को साथ लाने वाले हैं या नहीं। उन्होंने इस पर भी कोई बात नहीं की कि वो सलमान के साथ फुल फ्लेज्ड फिल्म बनाएंगे या नहीं। फिलहाल रोहित गोलमाल की अगली किश्त और अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उधर सलमान खान की बात करें तो इन दिनों वो अपनी फिल्म सिकंदर में बिजी हैं, जिसे अगले साल ईद पर रिलीज किया जाएगा। अजय देवगन भी सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग कर रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।